यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए चार गौकशी अभियुक्त दो अपराधियों के पैर में गोली लगने से दोनों अपराधी घायल हो गए हैं। बता दें कि थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग का सफल अनावरण किया गया, जिसमें चार शातिर गौकश अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज शाम थाना कोतवाली नगर की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कछोली ग्राम का जंगल है, यहाँ पे गोकसी करने वाला एक गिरोह आ सकता है। इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर की टीम्स डिप्लॉय की गई थी और ये एक ब्रिजा गाड़ी में गोकसी के उपकरण के साथ यहाँ पे कुछ व्यक्ति आए और जिन्होंने पहले से यहाँ पे एक गाय बांध रखी थी, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये गोकसी करने के इरादे से आए हैं। इन लोगों को जब पुलिस द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है और अन्य दो बदमाश जो थे इनको मौके से घेर घोट कर पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें ये पता चला है कि अभी पिछले सप्ताह इन्होंने काली नदी के किनारे पे भी गोकसी की थी, जिसके संबंध में कल अवशेष प्राप्त हुए थे और उसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा इन्होंने और अन्य जगहों पे भी जनपद में घटनाएं करना कबूल किया है, जिसके संबंध में डिटेल में पूछताछ इनसे की जाएगी। एक पशु चोरी इन्होंने करना बताया है, जो बुढ़ाना थाना क्षेत्र की घटना है उसके संबंध में अभी तक ये स्पष्ट हो पाया है कि उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये दो घटनाओं का अभी अनावरण किया गया है और इसमें डिटेल में अभी इनसे इंट्रोगेशन किया जाएगा। ये जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, ये चारों अभियुक्त जनपद मेरठ के हैं। इसमें से दो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक सरदना थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक रुआसा दोराला थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके कब्जे से गोकसी करने के उपकरण, उसके अलावा जो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किए वो तमंचे और कारतूस खोके वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास एक ब्रिजा गाड़ी थी जिसमें ये गोकसी करने के बाद जो गाय का जो मांस होता है उसको ये यहाँ से तस्करी करके ले जाते हैं। अभी ये इसमें आगे जो अन्य चेन है कि ये कहाँ बेचते हैं, कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके संबंध में डिटेल में हम लोग इनसे पूछताछ करेंगे और इस पूरी विवेचना के दौरान जो बाकी अन्य अभियुक्त जो इस पूरे गिरोह में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई आपराधिक इतिहास पता चल पाया इनका? अभी जो प्रारंभिक तौर पर हमने पता किया, इनमें से एक अभियुक्त जो मौके से पकड़ा गया है उस पर लगभग दो दर्जन के आसपास मुकदमे हैं, उसमें कई गोकसी के भी मुकदमे पंजीकृत है। ये पूरा शातिर किस्म के गोकस का एक गिरोह है। इसके अलावा जो दो बदमाश जिनके पैर में गोली लगी है इन पे भी एक पे छः मुकदमे हैं और एक पे दो गोकसी के मुकदमे पंजीकृत होना अभी तक पाया गया है। बाकी क्योंकि ये अन्य जनपद के रहने वाले हैं तो जो इनका कंप्लीट क्रिमिनल हिस्ट्री है इसके संबंध में अभी और डिटेल में पता किया जाएगा। अभी प्रारंभिक तौर पे ये पता चला है कि ये एक शातिर किस्म का गोकसी करने वाला गिरोह है और ये लगातार गोकसी की अन्य अलग अलग जगहों पर स्थान बदल के घटना करके और अपनी जीविका उपार्जन करते हैं, तो इसमें आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी इनके खिलाफ लाई जाएगी। थैंक यू।